देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल की आप अर्निंग देखिए, यहाँ पर ये भाई साहब कितनी अर्निंग पर मंथ यहाँ पर ये कर रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी अर्निंग, मंथली अर्निंग यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर 5.3K से 85,000 तक, मतलब 5,300 से 85,000 तक ये अर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं। अब फ्रेंड बात करें यहाँ पर, तो इनके भी इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं फ्रेंड। इंडिया का ये इतनी रैंक पर ये चैनल दर्शाया जा रहा है और फिल्म रैंक, और यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर इसको कितने 2015 में इस चैनल को क्रिएट किया है, लेकिन फिर इन्होंने अपने चैनल पर भसड़ कर दिया। उस भसड़ को नहीं लेना है हमें, अपने इस वीडियो में क्रीम लेनी है। टाइप यहाँ पर इन्होंने इतने इसके व्यू हैं, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आप व्यू भी देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यू यहाँ पर इंक्रीज कर लिए हैं, और सब्सक्राइबर भी यहाँ पर इन्होंने बहुत से इंक्रीज कर लिए हैं। अब फ्रेंड हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दूँ कि इनके रोज़ कितने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तो 30,000 प्लस सब्सक्राइबर इनको हर रोज़ मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये इनके इतने यहाँ पर हर महीने यहाँ पर इतने इनको मतलब कि अर्निंग हो रही है। अब फ्रेंड चलते हैं और दिखाते हैं यूट्यूब पर कि आपको कैसे इन वीडियो को कॉपी पेस्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश, स्वागत करता हूं अपने बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड और बताते हैं कि किस तरह से इनको लेना है। हमको क्रीम और क्रीम लेनी है, हमें यहां से क्या लेना है, क्रीम लेनी है फ्रेंड। यहां से हमको यहां से भसर नहीं लेनी है इस चैनल पर। तो चलिए इस चैनल पर चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड वह है यह चैनल। अब फ्रेंड यहाँ पर आप इसकी इस चैनल को देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर अदर भाषा में इस चैनल पर वीडियो बनाई गई हैं, ठीक है फ्रेंड। इस भाषा को आप बिल्कुल भी नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और आप भी नहीं जानते और इस भाषा को मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन फ्रेंड इस चैनल से हमें क्रीम उठानी है। क्या उठाना है फ्रेंड इस चैनल से हमें? ओनली क्रीम उठानी है। अब किस तरह से इस चैनल से हमको क्रीम उठानी है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब फ्रेंड आप कहेंगे कि इन्होंने बहुत शॉर्ट लगाई हैं, तो इस कारण इनकी वीडियो यहाँ पर बहुत पड़ी हुई हैं। देखिए फ्रेंड, एक लॉग मिलेगी तो यहाँ पर कई सारी इनको शॉर्ट देखने को मिलेंगी फ्रेंड। लेकिन ये सबसे बड़ी इनकी भूल है, देखिए यहाँ पर सभी शॉर्ट वीडियो इन्होंने फाइंड करके डाल रखी हैं, तभी इनकी वीडियो यहाँ पर 500 कुछ यहाँ पर बैठ रही हैं। फ्रेंड देख सकते हैं इनके व्यू, शॉर्ट वीडियो पर भी काफ़ी व्यू इनको आया है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर लॉन्ग वीडियो आप देखेंगे तो अच्छा खासा व्यू यहाँ पर लॉन्ग वीडियो पर आया हुआ है। अब फ्रेंड हमें इन वीडियो को कैसे बनाना है, हमें इन वीडियो को क्या करना है, तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से इस वीडियो से हमें यूज करना है। और फ्रेंड वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपके समझ में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉपीराइट का तो कोई फंडा ही नहीं, कॉपीराइट तो हम बिल्कुल इस वीडियो को कॉपीराइट फ्री कर देते हैं फ्रेंड। आप सब जानते हैं किस तरह से करते हैं, आप नहीं हमारे व्यूअर हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन पुरानी वीडियो जाकर देखेंगे तो आप सब कुछ पता पड़ जाएगा। अब फ्रेंड इस वीडियो को हमें डाउनलोड करना है। सबसे पहले क्रीम लेनी है, ओनली क्रीम, ठीक है। अब क्रीम कैसे लेनी है, आपको यहाँ से इस वीडियो चलानी है और उस वीडियो को यहाँ से देखना है, ठीक है। देखने के बाद जब आपको उस वीडियो के अच्छे लगे, थोड़ा लगे कि हाँ इस वीडियो में हम कुछ समझ सकते हैं, तो उस वीडियो को आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड यहाँ पर, और शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिंक क्लिक करके यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब फ्रेंड हमको काइनमेटर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। फ्रेंड प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, आप सब ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे। प्ले स्टोर पर काइनमेटर आपको टाइप करना है, सबसे ऊपर आपको यही इंटरफेस वाली काइनमेटर मिल जाएगी। अब फ्रेंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वही यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जो आपने वीडियो को डाउनलोड किया। या सब वीडियो को डाउनलोड करना जानते हैं, नहीं जानते तो हमें बता दीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। लेकिन फ्रेंड यूट्यूब पॉलिसी के कारण हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते, आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड इस वीडियो को हमें चलाना है और चलाकर इस वीडियो में देखना है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए यूनिक है और हम इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ सबसे पहले इनका जो भी इंट्रो मिलेगा, हम इंट्रो को यहाँ से कट करेंगे। तो फिलहाल इनका इंट्रो यहाँ तक ही है फ्रेंड, यहाँ तक देखिए, जहाँ तक इनको इंट्रो है हम वहीं तक यहाँ से कट करेंगे, अन्यथा हम ज़्यादा यहाँ से इंट्रो नहीं कट करेंगे, क्योंकि जहाँ से हम ज़्यादा इंट्रो कट करेंगे तो क्या होगा, हमारी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और फिर इससे हम अच्छा खासा पैसा नहीं कर पाएंगे। अब फ्रेंड आपको क्या करना, इस वीडियो को पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड इसमें कुछ ऐसा राज छिपा हुआ है जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए फ्रेंड।
इस वीडियो से आप 101% पैसा अर्न करेंगे फ्रेंड। कॉपी पास्ट का कोई झंझट ही नहीं है, कॉपी राइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, ब्लॉक कुछ भी नहीं आने का फ्रेंड कभी भी ज़िंदगी में। तो फ्रेंड इसका जो वाटरमार्क है, इस तरह से हमें इसे वाटरमार्क को तो हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि वाटरमार्क को रिमूव करना। तो फ्रेंड इस तरह से हमको इसे रिमूव करना है। अब देखते हैं कि फ्रेंड हमारी ये वीडियो किस तरह से चलती है। यदि अच्छी लगी तो देखते हैं फ्रेंड किस तरह से हमारी ये वीडियो बनी है और यहाँ पर कोई हमें दिक्कत तो नहीं आई। सो फ्रेंड हमारी वीडियो में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हमारी वीडियो सेफ है। और यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो चैनल का नाम है, यहाँ पर इनके चैनल का नाम हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने चैनल का यहाँ पर हमको नाम डालना है। अब किस तरह से डालना है, तो तुम्हारे चैनल का नाम होगा उसको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे चैनल का यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, मैं यहाँ पर सब्सक्राइब ही यहाँ पर डाल देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे सब्सक्राइबर यहाँ पर डालना है। अब फ्रेंड इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट मुझे कर देना है। देखिए फ्रेंड इनकी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और बढ़ा करके देखता हूँ कि कहाँ पर इनका नाम है। तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर करूँगा और फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूँगा। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इस फ़ॉन्ट को चेंज करके फटाफट से ओके कर देता हूँ। और इस फ़ॉन्ट को चेंज कलर करने के बाद अल्फ़ा डेंसिटी पर जाकर यहाँ से इसकी राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हल्का बोलकर नज़र आए। ठीक है फ्रेंड, तो इतनी मैंने 40% इसके कर दी। इसी तरह से आपको यहाँ पर कर देनी है। अब फ्रेंड इसको देखना कि उनके चैनल का नाम तो हमारे लिए नहीं नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड आप देखेंगे बिल्कुल ही हमारे उनके चैनल का नाम हमें नहीं नज़र आ रहा है। तो इस टाइमलाइन को पूरी पर कर देना है फ्रेंड। फ्रेंड हमारा सेकंड ऑप्शन का इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है फ्रेंड और वीडियो से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज और है, तो इसमें और होना है। वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसकी राइटनेस और एडजस्ट कर देंगे, तो इसकी राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे जिससे कि अच्छी हमारी क्वालिटी बन जाए। इसमें कोई पैसा ना सके कि हाँ ये ओरिजिनल नहीं है, नो करें। हमें ओरिजिनल अपने कंटेंट को ओरिजिनल इंप्रूव करना है। कोई भी हमारे कंटेंट को पहचानने की दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड, यदि मैं जो टिप्स बताता हूँ, यदि आप दिल से उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो 101% आप पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड क्या करना है, आपको इसको कई बार अपनी मोबाइल में बात करना है, या तो कान मास्टर एप्लीकेशन में लाने के बाद या फिर उससे पहले। तो मैंने इसे बात किया तो यहाँ पर मुझे यह नज़र आया कि दामू नाम का कोई व्यक्ति है, खेती बाड़ी करता है यानी कि फार्मर है, और वो अपने बच्चों का फेल किसानी से भरता है, थोड़े फल काट कर लाता है। इस तरह से यहाँ पर मैं वॉइस को ऐड करने वाला हूँ, आपको भी समझना है और सोचना है। तो मैं फिलहाल क्या करना हूँ, यहाँ तक एक करेक्टर बोला और फिर दूसरा करेक्टर यहाँ पर बोलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ये अपनी पत्नी से वॉइस ओवर कर रहा है, तो उसकी आवाज़ को मुझे यहाँ से अलग कट करना पड़ेगा। तो इनकी पत्नी जी जो बोलेंगी, इनकी वाइफ बोलेंगी, तो उनकी आवाज़ को मुझे यहाँ से अलग कट करना है। इनके जो बच्चे बोलेंगे उनकी आवाज़ को मुझे यहाँ से अलग कट करना है। मेरा कहने का मतलब है करेक्टर बाई करेक्टर मुझे डिवाइड कर देना है। देखिए इस तरह से, देखिए मैं यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक ये लड़की बोली तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ तक ये लड़का बोला तो इतने पार्ट को मुझे यहाँ से, इतने बीच में लड़की बोली है तो मैंने इस पार्ट को यहाँ से रख लिया। अब इस पार्ट में ये लड़का बोला तो मैंने यहाँ तक इस पार्ट को रख लिया, और ऐसे करके मैं बीच बीच में यहाँ पर कट लगा दूंगा, जिससे कि मुझे पता पड़े कि मुझे यहाँ पर कौन सी वॉइस को ऐड करना है। फ्रेंड तो फटाफट से मैं यह काम कर देता हूँ, आप भी अपने मोबाइल में करिए, ये इसे यूज करिए फ्रेंड। 101% में कह रहा हूँ, आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से करना। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट सबको डिवाइड कर दिया है, देख सकते हैं आप मैंने किस तरह से यहाँ पर इन सभी को डिवाइड किया है। एक करेक्टर यहाँ का बोला था, यहाँ कोई भी करेक्टर नहीं बोला है, और यहाँ करेक्टर, और फिर यहाँ से और यहाँ तक, इस तरह से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर 2 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ। यदि फ्रेंड आप बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बिल्कुल कितनी भी बड़ी वीडियो यहाँ से शूट करके बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर छोटी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगने वाला है इस वीडियो को शूट करने में यानी कि बनाने में। तो फ्रेंड आप मेरी बात को सच मानना, यहाँ पर आप नहीं तो ट्राई करके देख सकते हैं। यदि आप 30 सेकेंड की वीडियो की क्लिप अपने यूट्यूब चैनल पर आप डाल लेंगे किसी की भी, तो भी आपके यूट्यूब चैनल को वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से अपने चैनल पर अप्लाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी प्रॉब्लम आए तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपके सदैव साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा और आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब बारी आती है इसमें हमें अपनी बॉस को एडिंग करने की। तो बॉस को ऐड कैसे करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ पर सुन लेना है, और सुनने के बाद यहाँ पर आपको बॉस ऐड करना है किस तरह से, जैसे जे बोल रहे हैं। लेकिन मैडम ये भाषा और है, आपकी भाषा और है, तो बिल्कुल भाषा में अलग बदलाव सा आएगा,
जिसके कारण कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं दे पाएगा। कॉपीराइट क्लेम तो देने की उसकी बस की ही बात नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम कब देते हैं जब उसकी कंटेंट आईडी और आपकी कंटेंट आईडी दोनों मैच होती हैं, लेकिन आपकी तो मैच हो नहीं रही है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर वॉइस को ऐड कर देता हूँ फ्रेंड। इस तरह से वॉइस को ऐड करना है, इस पर क्लिक करना है देखिए यहाँ पर, और फिर ओके कर देना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर वॉइस को ऐड करना है। तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग चलते समय यहाँ पर कोई भी वॉइस को ऐड नहीं कर सकता, तो फटाफट से मैं यहाँ पर वॉइस को ऐड कर ही दे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर वॉइस को तो ऐड कर दिया है, लेकिन फ्रेंड मैंने यहाँ पर वॉइस को अभी सुधारा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं अपनी वॉइस को सुधारूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइमलाइन पर ट्रैक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी यहाँ पर कोई भी वॉइस नहीं है। ऐसा आपको दिखे तो वहाँ पर आपकी वॉइस नहीं है। आपको क्या करना है, इस वॉइस को कुछ इस तरह से ऐसे करना है और राइट कट कर देना है। तो फ्रेंड इस तरह से यहाँ पर हमारी जो वॉइस है कट जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सुनसान है, रहने दीजिए, क्योंकि थोड़ी वॉइस यहाँ पर बंद भी होनी चाहिएगी फ्रेंड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वॉइस को सेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर वॉइस को सेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको क्या करना है, आपको इस कार्टून को देख करके इसके हिसाब से ही अपनी वॉइस को ऐड करना है। वीडियो टाइमलाइन पर क्लिक करना है, मिक्सर पर जाना है, इसके आवाज़ को जीरो कर देना है, बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह के सभी टाइमलाइन की आवाज़ को मैं जीरो कर देता हूँ फटाफट से। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर इनकी आवाज़ को भी पूरी तरह से म्यूट कर दिया, लेकिन फ्रेंड आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, आपको वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड। क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती हैं, जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। इस पर पूरे रिसर्च के साथ इस चैनल पर वीडियो आती है फ्रेंड। तो अब आपको क्या करना, अब अपनी वॉइस पर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, यानी कि मैं करेक्टर, यानी कि करेक्टर मेरा बोल रहा है। तो मैं खुद जिसका ऑनर हूँ, जिसको बना रहा है, वो बह यहाँ पर बोल रहा है। तो फ्रेंड पहले जाना है रिवार वाले ऑप्शन पर, यहाँ से करना है स्टूडियो वाली आवाज़ को सेलेक्ट। अब स्टूडियो वाली आवाज़ को मिक्सर पर जाना और यहाँ से इसकी आवाज़ को कर देना है 1%, ठीक है फ्रेंड। 1% आवाज़ करेंगे तो यहाँ पर आवाज़ खुश हमारी पतली हो जाएगी फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, एक गांव में रामू नाम का किसान है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको यहाँ पर वॉइस को चेंज करना है, सभी जगह आपको यहाँ पर वॉइस को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक दो वॉइस और चेंज करके दिखाई देता। सो फ्रेंड यहाँ पर इनकी वाइफ बोली है, रामू की जो पत्नी है वो बोली है। तो यहाँ पर स्टाइमलाइन पर क्लिक करना है, रिवाइव वाले ऑप्शन पर जाना है और स्टूडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ से बैक जाना है और फिर मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से इनकी आवाज़ को 100% कर ही देना है और यहाँ से करीब यहाँ से 3% या 2% यहाँ से आवाज़ को करके देखते हैं कि अब आवाज़ हमारी कितनी पतली होती है फ्रेंड। जी आती हूँ, जरा रुकिए, थोड़ा बच्चों की मदद कर रही हूँ। बच्चों फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ी आवाज़ को पतला करेंगे तो यहाँ पर हम 33 आवाज़ को करेंगे कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पे अच्छी आवाज़ हमारी बिल्कुल ही लेडीज आवाज बन जाएगी फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप, यहाँ कर रही हूँ बच्चों को तैयार कर, राम राम सब राम राम। तो फ्रेंड यहाँ पर भी इसी तरह से कर देना है, यहाँ पर इसकी बंदे की आवाज़ आई है तो यहाँ पर मैं राम राम साहब बोला है इन्होंने, तो फिर से यहीं पर जाना है स्टूडियो पर और मिक्सर वाले ऑप्शन पर फिर से यहाँ पर थ्री कर देना है। थोड़ी देर में आती हूँ, लीजिए। तो फ्रेंड इसी तरह से आपने, अरे बच्चों, तो फ्रेंड इसी तरह से आपको यहाँ पर पूरी टाइमलाइन में कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा तो बच्चे की आवाज़ को कर देना है, या फिर फ्रेंड यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप एलियन टू फेट्स और यहाँ से अच्छी जैसी आवाज़ आप चाहें वैसी आवाज़ लगा सकते हैं, बेबी की लगा सकते हैं, बर्ड की, फनी आवाज़ लगा सकते हैं, किड लगा सकते हैं, मैन इस, और यहाँ से रेडियो, रॉबर्ट, कंप्यूटर, यहाँ से काफ़ी सारी आवाज़ें यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल यहाँ से जब आप वॉइस को लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत आएगी, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आवाज़ देखेंगे तो फ्रेंड अच्छी आवाज़ नहीं बन पाएगी, देख सकते हैं। अरे लीजिए पानी, अरे बच्चों, तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ अच्छी आवाज़ नहीं है। तो इसी कार्ड में वहाँ से बताता हूँ, वहाँ से आप लगाइए और अच्छे से यूज करिए, धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ है वॉइस में, तो यहाँ से इसी तरह से मैं ट्रिम करूँगा और स्प्लिट करके इस वॉइस को उठा करके इसके जस्ट बराबर के रख दूंगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको करना है, जहाँ पर भी आप ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखे तो वहाँ से आपको इस पार्ट को कट कर देना है, या फिर जैसे आप साउंड लगाएंगे बैकग्राउंड साउंड तो वहाँ पर उसे कवर कर देंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको करना है, जैसा कि मैं आपको आखिर से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर फिर से बच्चे की आवाज़ है तो आपको जाना है रिवार्ड में और यहाँ से कर देना है स्टूडियो वाली आवाज़ को और फिर आपको क्या करना है फ्रेंड, देखो मैं भैया के पास जा रही हूँ, और फिर आपको क्या करना है फ्रेंड, फिर से इस पर क्लिक करना है और फिर आपको जाना है वॉइस चेंजर में और यहाँ से करना है बेबी वाली आवाज़ को सेलेक्ट, या फिर किड की आवाज़ को, बच्चे की आवाज़ को यहाँ से करना है सेलेक्ट। अब यहाँ से चलना है बैक
और यहाँ से जाना है मिक्सर वाले ऑप्शन पर। आप सब जानते हैं इतनी जल्दी मैं यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ फ्रेंड, क्योंकि मिक्सर कहाँ है, ये कहाँ है, सब आप जानते हैं। और पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हर पापा जी देखो मैं भैया के पास जा रही हूँ वहाँ पर। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आवाज़ को थोड़ा मोटा और करना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ को अच्छी सी नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड मैं 2 कर देता हूँ, माइनस में ले जाता हूँ उस पिच को। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ कुछ अच्छी अच्छी भिंडी आई हुई है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ पर आवाज़ को कर दिया, ऐसे ही आपको करते रहना। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर वॉइस चेंजिंग पूरी तरह से कर दिया। अब फ्रेंड अब क्या करना है, अब उस बात को आपको ध्यान से बड़ी ही महत्वपूर्णता से सुनना होगा। इस टाइमलाइन पर क्लिक करना है और इसके रोटेट मिरर वाला ऑप्शन है उसमें पूरी वीडियो में रोटेट मिरर कर देना है। अब ये बंदा इधर से आएगा, पहले इधर साइड से आ रहा था, ठीक है बेटे। तो इस वीडियो को थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेना है जैसे कि आपको जो भी इसके फॉन्ट है, जो भी इसकी छोटी छोटी वो है टिके हैं, वो आपको आसानी से दिखते रहें। तो इसको आपको रोटेट मिरर कर देना है फुल वीडियो का। पहले इस बंदे का इधर की साइड मुँह था लेकिन आपने इधर की साइड कर दिया। लेकिन फ्रेंड आपको एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाली है, बहुत ही अच्छी बनने वाली है। यदि आप मेरी बताई हुई टिप्सों को फॉलो करते हैं तो 101% आपका चैनल मोनेटाइज एंड आप अर्निंग करनी शुरू कर देंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, रोटेट मिरर आपको कर देना है फुल वीडियो का, रोटेट मिरर आपको कर देना। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है और रोटेट मिरर वाला ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस तरह से आपको रोटेट कर देना है। तो फटाफट से मैं पूरी वीडियो को कर ही देता हूँ। सो फ्रेंड इसकी हमने रोटेट मिररिंग भी कर दी है। अब बात आती है इसे एक्सपोर्ट करने की, या फिर एक्सपोर्ट करने से पहले इसमें कुछ और इफेक्ट्स डालने की। तो फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाना है, बेसिक वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से बेसिक वाले ऑप्शन पर जाना है और B03 वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको 30 कर देना है। जैसे फ्रेंड हम 16 कर देंगे तो यहाँ से कुछ हमारा ऐसा करेक्टर दिखने लगेगा। तो यहाँ से हमारा कलर फिल्टर होने से हमारे जो कॉपीराइट के चांसेस थे वो भी यहाँ से हट चुके हैं फ्रेंड। अब आ रही आती है इसे एक्सपोर्ट करने की। एक्सपोर्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से इसे एक्सपोर्ट करते हैं। फुल HD में आपको एक्सपोर्ट करना है, मन हो तो यहाँ तक भी एक्सपोर्ट कर देंगे जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं फिलहाल यहाँ पर इतनी पर ही कर देता हूँ। आपको फुल देना है, जितनी आप दे सकें उतनी क्वालिटी में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो फटाफट से मैं 1080 और 30 यहाँ पर कर देना है और यहाँ जितना जो हाई क्वालिटी रखें उतनी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ। फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। तो आज मैं आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड ना करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। जब वीडियो अपलोड होगी तो हम इसे अपनी गैलरी में ले जाएंगे। आई होप कि दोस्तों मैंने जो जो आपको बताया है आपने अच्छी तरह से समझकर अपने चैनल पर इम्प्रूव करने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह फल बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। तभी वह एक दिन अपने घर आता है, फलों को रख कर के आराम करने लगता है और कहता है, थोड़ा पानी लेकर के आओ। ए जी आती हूँ, जरा रुकिए, थोड़ा बच्चों की मदद कर रही हूँ, बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। राम राम सब राम राम, थोड़ी देर में आती हूँ। लीजिए, अरे लीजिए पानी। अरे बच्चों, अरे कहाँ जा रहे हो बच्चों, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। रामू के दो बच्चे थे, बेटे का नाम रश्मि तथा बेटे का नाम मदन था। दोनों ही माता पिता की सेवा करते और साथ में सब्जियाँ तोड़वाते। इसी तरह से दोनों बच्चे मिलजुल करके अपने माता पिता की सेवा करते और समय समय पर सब्जी तोड़कर अपने पिता के साथ इकट्ठी करते। तभी एक दिन रामू बाजार जाने वाला था। सभी परिवार के सदस्य उसकी मदद करने के लिए सब्जियां तोड़वाने आते हैं और उनके दोनों बच्चे भी उनकी मदद करने लगते हैं। देखो रश्मि, देखो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर भिंडी उगी है। पापा जी देखो मैं भैया के पास जा रही हूँ, वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी अच्छी भिंडी आई हुई है। अरे आज मैं इतनी सब्जी क्यों तोड़ू, आज तो हमारी गाड़ी इतनी सब्जी से भर गई, चलो चलता हूँ। अरे बेटे तुम भी दोनों जल्दी आ जाओ, आज इतना ही बहुत।
देखो मम्मा जी, हम क्या लाए हैं, कद्दू, भिंडी भी लाए हैं, बैंगन भी लाए हैं, देखो तेंगा केला बैंगन कद्दू रे, देखो बच्चो देखो रे। पापा हमको पुस्तक ले आयो रे जल्दी।